खबर बिलासपुर से। सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाकर ठगी करने वाले राजेश सेठ को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के ऊपर 54 लाख रुपए लेकर फ्लैट नहीं दिए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित शीतला प्रसाद ने बिल्डर राजेश सेठ के खिलाफ थाने में मामले को दर्ज कराया था। इधर एएसपी का कहना है कि आरोपी बिना किसी जानकारी के फ्लैट का सौदा 54 लाख रुपए में उसने कर दिया था और बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन भी निकाल लिया गया। इस कार्य में बैंक अधिकारी भी शामिल है। पुलिस ने बताया है कि बैंक अधिकारी से पूछताछ की जाएगी तो वहीं पुलिस आरोपी के फरार साथी की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। सुन कंपनी है और उनको उनकी जिनसे बातचीत हुई थी वो आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं। उनके साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी जांच जो है पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और अभी जो है एक आरोपी उसमें गिरफ्तार हुआ है।